क्या आप जानना चाहेंगे ब्रश से लिखते समय पेंट में आयल डालने की जरूरत होती है? अगर होती है तो कब? पेंट में कौन सा तेल डालें, कौन सा नहीं? चलो वीडियो में आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं राम बली, आप देख रहे हैं आरपी पेंटर यूट्यूब चैनल। पेंट को पतला करने में क्या क्या मिलाते हैं और कब कितना मिलाते हैं, जानकारी नहीं तो वीडियो को पूरा देखें, सब समझ आ जाएगा। जानते हैं तो भी एक बार जरूर देखें। जब हम कभी भी राइटिंग करते हैं तो पहले पेंट में ब्रश से हिलाकर देखते हैं कि कहीं पेंट पतला या मोटा तो नहीं। यदि पेंट मोटा होता है तो ब्रश जाम चलता है, बेस पकड़कर नहीं चलता, ज्यादातर छूट जाता है। बार बार पेंट में ब्रश डुबाना पड़ता है, तब हमें पेंट पतला करने की जरूरत होती है। हमें ध्यान पहले देना है कि पेंट वाटर है या एनामिक। पेंट में तेल ज्यादा पड़ जाए तो लेटर लिखते हैं तब उसमें पेंट बहने लगता है, लेटर खराब दिखने के साथ साथ मेहनत डबल करना पड़ जाता है। पतला पेंट की जरूरत वहां पड़ती है जहां बेस को सोखने की क्षमता ज्यादा हो। पेंट में तेल डालने का अंदाजा नहीं तो पेंट को एक अलग डिब्बे या बर्तन में निकालें और तेल डालें। इससे अगर पेंट पतला हो जाता है तो हम अलग बचा के पेंट थोड़ा थोड़ा मिलाकर पतला पेंट को बना सकते हैं। ध्यान दें, पेंट में आयल डायरेक्ट नहीं, थोड़ा थोड़ा ही डालें। आयल बोतल में रखें या और ढक्कन के ऊपर किसी नकीले वस्तु से छेद बना लें। इससे पेंट में तेल ज्यादा नहीं गिरेगा, जितना दबाएंगे उतना ही तेल गिरेगा और हम तेल को पेंट में जरूरत भर डालें लेंगे। पेंट की बात करते हैं तो वाटर पेंट, एनामिल पेंट और ऑटो पेंट होते हैं। पेंट पतला करने में वाटर पेंट में सिर्फ पानी डालते हैं और एनामिल पेंट में लूज थिनर, तारपीन तेल, किरोसिन तेल, पेट्रोल डाल सकते हैं, जो कि आजकल किरोसिन तेल की समस्या हो गई है। किरोसिन तेल राइटिंग करने में सबसे अच्छा और बेहतर रहता था। एनामिल पेंट में कम से कम उड़ने वाला ही तेल अच्छा होता है। जो तेल कम उड़ता है, जैसे स्प्रिट तुरंत उड़ जाता है, वैसा तेल हमें अच्छा नहीं होता है एनामिल पेंट के लिए। डीजल मोबिल वैसे ही ये खराब होता है, इसको पेंट में कभी भी नहीं डालें। इससे हमारा पेंट तो खराब होगा ही, साथ साथ ब्रश भी खराब हो जाता है। ऑटो पेंट की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ थिनर पड़ता है। आप देखे होंगे जो गाड़ियां जो भी होती हैं, ये सब ऑटो पेंट रहता है। ऑटो पेंट को हम ब्रश से राइटिंग नहीं कर सकते। ऑटो पेंट में ब्रश डालेंगे तो ऑटो पेंट जल्दी सूख जाता है, जिससे कि हमारा ब्रश चल नहीं पाएगा। ऑटो पेंट स्प्रे पेंटिंग के लिए ही अच्छा होता है और सबसे बेस्ट रहता है। राइटिंग ब्रश से करने में एनामिल पेंट ही अच्छा होता है और हम लोग ज्यादातर एनामिल पेंट ही यूज करते हैं। एनामिल पेंट हर मार्केट हार्डवेयर दुकान पर उपलब्ध होता है, जो कि आसानी से मिल जाता है। हमें राइटिंग करने के लिए जब भी पेंट लेना है, अच्छे क्वालिटी का पेंट लेना है। कहीं हम सस्ते रेट का पेंट परचेज कर लेते हैं, ऐसे ज्यादातर पेंट खराब होते हैं और ब्रश को भी खराब कर देते हैं। इससे राइटिंग नहीं बन पाती, ब्रश फट जाता है। ऐसा पेंट हमें नहीं खरीदना है। तो दोस्तों, थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आपके एक लाइक से मेरा मनोबल और बढ़ेगा, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नया वीडियो लेकर। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।